हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मैं शमीशा आज फिर आप लोगों के सामने भरसर क्लासेस की सीरीज में नंबर सिस्टम का जो फोर्थ लेक्चर है वो लेके आया हूँ। और आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है नेशनल नंबर, तो उसका जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको प्राइम नंबर, कंपाउंड नंबर और को प्राइम के बारे में बताऊंगा, तो आज हमारा लेक्चर पूरा इसमें बेस्ड रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा आप सब लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज हमारे चैनल पर बने रहें, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था अपने पहले लेक्चर में, जब मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर पूरा नंबर सिस्टम का बताया था, उसके लास्ट में मैंने बताया था कि नेशनल नंबर में दो चीजें होती हैं। पहला होता है प्राइम नंबर, जिसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, और दूसरा होता है कंपाउंड नंबर, जो कि हमारा भाज्य संख्या होता है। और एक चीज और होती है जिसे हम बोलते हैं को प्राइम। तो अभी हम को प्राइम को भी समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम में आते हैं वो को प्राइम रिलेटेड बहुत आते हैं, और बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं कि को प्राइम लोग प्राइम देख के प्राइम नंबर ही मार देते। तो अभी आगे जब इसका आएगा क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले प्राइम नंबर देख लेते हैं। प्राइम नंबर हमने आप लोगों को बताया था, वो नंबर जो या तो एक से डिवाइड होते हो या तो खुद से डिवाइड होते हो, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ और वन। और कंपाउंड नंबर अदर देन इटसेल्फ और वन मीन्स एक और खुद से डिवाइड होने के अलावा अगर वो किसी और से भी डिवाइड होते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड नंबर। तो प्राइम नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, वन को हम ना ही प्राइम मानते हैं ना ही हमारा ये कंपाउंड होता है, क्योंकि ये सबसे छोटा होता है, सबसे लीस्ट नंबर है। तो शुरू करते हैं टू से, तो टू हमारा प्राइम नंबर हो गया। अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो कौन कौन से हमारे शुरुआत से प्राइम नंबर आते हैं, तो टू होता है, फिर थ्री होता है, फिर फोर डिविजिबिलिटी होती है इसलिए फाइव होता है, सेवन होता है, उसके बाद इलेवन पे हो जाते हैं, थर्टीन पे हो जाते हैं, फिर सो ऑन। अभी जो मैंने टर्म्स लिखे हैं, जो नंबर लिखे होंगे इसमें आप देख रहे हैं कि ये सभी नंबर जो हैं, ये या तो खुद से डिवाइड होते हैं या तो वन से डिवाइड होते हैं। और अगर हम कंपाउंड नंबर की बात करें तो कंपाउंड नंबर से देखिए यहाँ पे हमारा फोर लेफ्ट रह गया, तो फोर हमारा क्या है, फोर हमारा टू से भी डिविजिबल है, वन से भी डिविजिबल है, और इटसेल्फ मींस फोर से भी डिविजिबिलिटी इसमें आती है। सेम हम अगर नाइन की बात करें तो नाइन हमारा थ्री से डिविजिबल है, इटसेल्फ नाइन से डिविजिबल है, वन से डिविजिबल है। तो कंपाउंड और प्राइम में जो डिफरेंस है बस वो इतना ही है कि जो सेम है वो ये है कि वन और इटसेल्फ तो ये डिवाइड होते ही होते हैं, बट कंपाउंड जो होता है वो किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकता है, क्लियर। फिर हम आते हैं, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है तो इसको आप आराम से देखते रहिएगा, बट इसके जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आते हैं, तो प्लीज आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। मैं ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा इस वीडियो में। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो देखिए को प्राइम का मीन्स है सह अभाज्य, मीन्स साथ में जो दो अभाज्य संख्याएं हो, और अभाज्य संख्याओं का अगर आप एलसीएम निकालेंगे, किसी भी अभाज्य संख्या का टू थ्री फाइव और सेवन का निकालेंगे, इन सबका एचसीएफ जिसको हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, लासा मासा बोलते हैं, वो हमारा वन ही आएगा। इट मीन्स जो को प्राइम नंबर है वो मीन्स उसका मीन्स ये दो को अंक होंगे ही होंगे, दो तो हमारे यहाँ पे संख्याएं होंगी होंगी, और उन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो हमारा क्या आएगा, एचसीएफ क्या आएगा, वन आएगा। तो ये समझ लीजिए जैसे टू और थ्री तो पहले से ही प्राइम है, ये दोनों खुद में प्राइम है, तो आप बता दें यहाँ ये को प्राइम भी है। लेकिन अगर हम बोलते हैं यहाँ पे ऐसा नंबर, जैसे हम बोलते हैं सिक्स और सेवन, तो क्या ये को प्राइम है, तो हाँ ये को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ अगर आप लेंगे, इन दोनों का एचसीएफ आपका क्या आएगा, वन आ जाएगा, क्लियर। और जब ऑप्शन में आपको सिक्स दिख जाता है तो आप कहते हैं यार ये तो कंपाउंड नंबर है, तो ये तो हमारा क्या कहते हैं, प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर एचसीएफ आपका किसी भी दो नंबर का एचसीएफ अगर आपका क्या आ रहा है, वन आ रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा, क्लियर। अब हम प्राइम नंबर जो मेन है उससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो देखिये वन से लेकर 25 तक हम देखते हैं कितने हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, कितना हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे और मैं भी आपसे पूछे जा सकते, तो कुछ नोट रखिएगा। एक से लेकर 25 तक आपकी टोटल 9 मीन्स 9 प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 से 50 तक 6 होते हैं, मीन्स अगर दोनों को देखा जाए तो 1 से 50 के बीच में 9 6 15 मीन्स 1 से 50 के बीच में आपके 15 क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। और 50 से 100 के बीच में प्राइम नंबर्स की संख्या कितनी होती है, 10, मीन्स 50 से लेकर 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर्स होते हैं, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 1 से 100 के बीच में इन तीनों का सम इट मीन्स 25, 25 हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी, इसे याद कर लीजिएगा। फिर आते हैं प्रॉपर्टीज में, तो हमने भी आपको लिख के दिखाया था प्राइम नंबर हमारा स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 5 7 11 13 17 23 29 31 35 37, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं।
तो इसमें आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि जो प्राइम नंबर हमारे हैं उसमें जो सबसे पहला प्राइम नंबर है दो वही हमारा सम है, उसके अलावा और कोई भी प्राइम नंबर हमारा सम इवन नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन मान लीजिए आपका कोई आता है कि तीन संख्याओं का योग, ऐसे समझिए तीन संख्याओं का योग क्या है, कोई सम संख्या है। तीन संख्याओं का योग क्या है, कोई सम संख्या है। वो तीनों संख्याएं क्या है, अभाज्य है। तो अगर अभाज्य है और तीनों संख्याओं का योग क्या है, सम है, तो वो पॉसिबल नहीं है अगर उसमें टू नहीं है। इट मीन्स इट इज गिवेन, यहाँ पे चीज गिवेन है कि उसमें टू है। जैसे आपको ऑप्शन क्वेश्चन दे रखा है कि एक नंबर है 1110, दिस इज द सम ऑफ थ्री प्राइम नंबर। ये क्या है, ये किन्हीं तीन प्राइम नंबर का क्या है, सम दिया गया है। क्लियर। और उनमें से एक आपको प्राइम नंबर दे रखा है, एक प्राइम नंबर आपको दे रखा है 101। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेगा कि और दो प्राइम नंबर की वैल्यू हमको बताएं। तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर दो नहीं होगा तो किसी भी ऑड नंबर को आप तीन टाइम ऐड करेंगे तो वो हमारा इवन नहीं हो सकता। इट मीन्स यहाँ पे एक और प्राइम नंबर आपको हिडन फॉर्म में दिया है, दैट इज टू। और अब आप इसको क्या कर लेंगे, एड करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 997। तो यहां से एक चीज और समझ लीजिएगा कि 101 और 997 ये दोनों आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर ही होते हैं। और इससे ये चीज पता चलती है कि ये लीस्ट प्राइम नंबर है थ्री डिजिट का और ये हाईएस्ट है। ये थ्री डिजिट का क्या है, आपका हाईएस्ट है प्राइम नंबर। क्लियर। तो इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। अगला आता है हमारा कि जो किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को 24 से डिवाइड अगर कर देंगे, अगर हम किसी भी अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर के अगर स्क्वायर को हम 24 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, वो हमारा एक आएगा। एक आएगा किसको छोड़कर, 1 और 3 को छोड़कर, क्योंकि 1 और 3 के जो स्क्वायर होते हैं वो 24 से हमारे छोटे ही होते हैं। लिस्ट पहले से ही है तो डिविजिबिलिटी हो ही नहीं पाएगी, उससे ज्यादा नहीं होंगे तो शेषफल कैसे आएगा। उसके आगे के जितने भी नंबर होते हैं, जैसे आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 49। तो ये देखिए यहाँ पे अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो इसका 1 इसमें शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, इसको करेंगे तो 48 डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी 1 आपका रिमाइंडर बचेगा। इट इज क्लियर कि जितने भी आपके प्राइम नंबर होते हैं 1 और 3 को छोड़कर वो क्या होते हैं हमारे, वो हमारे 24 से डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर को छोड़ते हैं। तो उसी का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चन में कहा गया है 11² + 13² + 17² + 23² + 1² = क्वेश्चन मार्क मीन्स ये कहा गया अगर इनके सम को हम 24 से डिवाइड करें तो आंसर क्या है। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि अगर इनके सम को हम 24 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा। 24 का मीन्स 24 के मल्टीपल भी अगर दिए होंगे तो उनसे भी डिवाइड करने पर वैल्यू आपकी कितनी ही आनी चाहिए। तो देखिए 24 से डिवाइड करेंगे तो टोटल का सम कर लिए या अलग अलग इंडिविजुअल डिवाइड कर दिए तो इसमें भी बनाएगा, इसमें भी बनाएगा, इसमें भी बनाएगा, इसमें भी बनाएगा और इसमें भी बनाएगा। तो टोटल में सम कर लिया तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5। क्लियर। इट इज इजी। तो इसलिए अगर आप रूल याद रखेंगे, प्रॉपर्टीज लर्न रखेंगे तो कैलकुलेट करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एसएससी और कोई भी अगर आपका कंप्यूटर एग्जाम है वो ऐसे ही क्वेश्चन देता है, वो ऐसे ही क्वेश्चन देगा कि आदमी उसमें आता है, कोई भी स्टूडेंट है तो वो उसमें लगा रहा है बहुत देर तक, बट जिसको भी प्रॉपर्टी याद होगी वो 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगली प्रॉपर्टी है अभाज्य खंडों को अगर हमें ज्ञात करना है। अब समझिए, अब क्या होता है कि कुछ नंबर हमें दिए होते हैं, मान लीजिए कोई संख्या में दे रखी है, उसमें हमें क्या होता है अभाज्य खंड निकालने होते हैं। मीन्स कितने इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, कैसे फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स। जैसे 24, जैसे आप ले लीजिए 24 हम लिखे थे, 24 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, तो हम एलसीएम लेते हैं इसमें। तो पहले 2 से करेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आएगा और फिर 3 से करेंगे। इट मीन्स क्या है इसमें, इसमें 2-3 टाइम्स है और 1 टाइम 1 है। क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, हमको अगर किसी का हमें अभाज्य खंड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। बट इसी के आगे और भी चीजें आती हैं। क्या आता है
कहा गया यदि संख्या पावर में हो, अगर जो नंबर गिवन है अगर वो पावर में है तो हम क्या करेंगे, तो जितने भी नंबर ऑफ द प्राइम नंबर आएगा वो हमारी वैल्यू हो जाएंगे। जिस नंबर ऑफ द प्राइम नंबर्स हैं उसको हम पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ द प्राइम नंबर्स निकल आएंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए 120 का स्क्वायर, एक क्वेश्चन यहां पर दिया, तो हम दोनों क्वेश्चन को आपको साथ में करा देते हैं। अगला दिया है यदि किसी संख्या के कुल भाजक मीन जो कुल डिवाइजर है अगर वो पूछे जाए तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और पावर के रूप में उसे हम लिख देंगे। क्या करेंगे उसको हम पावर के रूप में लिख देंगे और फिर प्रत्येक भाजक में एक जोड़कर सबको हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 120 अगर हम एलसीएम निकालते तो 2 से करेंगे 60 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 30 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। इट मीन्स क्या है, हमें गिवन है 2 to the power 3 and 5 1 1, सबकी पावर क्या है 1 है। अब यही अगर 20 का स्क्वायर होता, अगर यहीं पर हमसे कहा जाता 120 का स्क्वायर तो क्या हो जाता, तो हमारे पावर को हम क्या कर देंगे, पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ द टर्म्स को। तो 1 2 3 4 5 इट मीन्स 5 आपके क्या है भाजक है और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल के 10 ऐसे भाजक हो जाएंगे। क्लियर, तो इसका ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन क्या कहा गया है कि प्रत्येक भाजक में एक जोड़कर सबको गुणा कर देंगे। अब अगर हमसे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ द भाजक मान लीजिए स्क्वायर नहीं दिया है और ऐसे पूछा है तो हम क्या निकालेंगे, हम सब में 1 ऐड कर देंगे, यहां आ जाएगा 4, यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 to the 16। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, क्लियर दिख रहा है कि 2 की पावर इतनी है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो इतने सारे 16 भाजक कैसे हो सकते हैं, तो कोई जरूरी थोड़ी यही भाजक है। भाजक का मीन एलसीएम ही नहीं होता है, अगर 2 और 3 इसका 1, 2 और 3 को मिला ले तो 1 भाजक 6 भी तो हो जाएगा, अगर 2 स्क्वायर ले लें और 4 into 3 कर दे तो 1 भाजक 12 भी तो हो जाएगा, 5 into 13 करें तो 1 भाजक का 15 भी तो हो जाएगा। ये तो प्राइम फैक्टर्स है, बट और भी फैक्टर तो होते हैं, मीन्स क्या है फैक्टर के अलावा उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों का टर्म अलग, इन दोनों का टर्म अलग, 2 to the power 3 है तो 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 8 से भी हो सकता है, 8 3 24 से भी हो सकता है, 8 5 40 से भी हो सकता है, तो कई सारे इसके भाजक हैं। तो इसीलिए ये शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपको किसी का स्क्वायर दे रखा, किसी की वैल्यू अगर दे रखे हैं और आपसे कह रहे हैं उसके टोटल डिवाइजर निकालिए, तो सिर्फ प्राइम डिवाइजर नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि सिर्फ अभाज्य विभाजक चाहिए हमें, हमसे कह रहे हैं टोटल डिवाइजर कितने होंगे। तो टोटल डिवाइजर के लिए पहले हम उसके अभाज्य डिवाइजर निकालेंगे, अभाज्य भाजक निकालेंगे, फिर जो उनकी पावर होगी उनमें हम एक एक ऐड कर देंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करके जो निकालेंगे दैट विल बी द टोटल डिवाइजर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। क्लियर, फिर देखिए छोटे से 2 और रूल बचे हैं कि अगर आपके क्या है प्राइम नंबर, अगर कोई आपको नंबर गिवन है उसके आपको टोटल भाजक निकालने हैं फिर आपको उसके डिवाइजर निकालने हैं तो क्या करेंगे, तो कहा गया अगर मल्टीप्लाई में होगा तो जोड़ देंगे, फ्रैक्शन में होगा तो डिवाइड कर देंगे। नॉर्मल सी बात है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 64 और यहाँ पे लिखा है 12, अब टोटल आपके डिवाइजर पूछे जा रहे हैं, टोटल फैक्टर पूछे जा रहे हैं, तो इसके फैक्टर निकाल के इसके फैक्टर निकालोगे तो क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो एड कर देंगे। और अगर यही चीज भिन्न में होती, भिन्न का मीन्स अगर आपके फ्रैक्शन में फॉर्म में होती तो हम इसको डिवाइड कर देते। क्लियर, मीन्स अगर आपका कुछ ऐसे लिखा होता 120 अपॉन समथिंग 170 या 180 या 210 तो हम क्या कर देंगे, थोड़ी बड़ी संख्या कर देते तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। क्लियर, तो अगर गुणा में होगा तो हम प्लस कर देंगे, मल्टीपल में होगा तो प्लस कर देंगे, अगर फ्रैक्शन में होगा तो हम उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा भाज्यवाद संख्याओं के बारे में, एक बार मैं ओवरव्यू उसका दे देता हूँ। तो प्राइम नंबर का मीन्स ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होते हो, 1 और खुद से डिवाइड होते हो, कंपाउंड नंबर जो 1 से डिवाइड होते हो, खुद से डिवाइड होते हो और किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हो। को प्राइम नंबर जरूर याद रखिएगा, को प्राइम नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 2-2 आपको पेयर दे रखे होंगे ऑप्शन में और आपसे पूछेंगे, लेकिन को प्राइम का मतलब ये कतई नहीं है कि उसमें से एक जो नंबर होगा वो आपका प्राइम होना, दोनों के दोनों प्राइम होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 6 और 7 दिया है तो 6 वैसे अगर सिंगल लिखा होता तो वो आपका
कंपाउंड होता है, बट अगर ब्रैकेट में लिखा है, साथ में लिखा हुआ को प्राइम पूछा हुआ है, तो दोनों का एचसीएफ एक आ रहा है, इट मीन को प्राइम नंबर ये दोनों हो सकते हैं। को प्राइम मीन साथ में इस समय प्राइम कौन है, और साथ में प्राइम होने का मीन्स है इन दोनों का साथ में एचसीएफ कितना आ रहा है। इन दोनों के साथ में एक जैसे गुणनखंड बीच जैसे फैक्टर तो नहीं है, तो इस वजह से को प्राइम का मतलब ये होता है। और ये हमने इधर कुछ प्रॉपर्टीज लिख रखी है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, दीज आर द प्रॉपर्टीज टू कैलकुलेट द प्राइम नंबर्स। क्लियर? तो ये आज का हमारा वीडियो था, शॉर्ट वीडियो ऑन प्राइम नंबर्स फ्रॉम नेचुरल नंबर। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें से पूछना है तो आप प्लीज हमें कमेंट में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, और हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू।